निक्रियोंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरू जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाओ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार सहस सियाणपा लख हो हिदायक न चलै नाल केव सचियारा होई है केव कूड़ा तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है इकना हुक्मी बख्शी सिख हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता होमै कह न कोए गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दाते जाण नीसाण गावै को गुण वड़ियाई आचार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तन खेह गावै को जी लै फिर दे गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथरा कथी न आवै तोट काथे काथ कथी कोटी कोट कोट देदा दे लैंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विकसै वे परवाह साचा साहिब साच नाए भाख्या पाव अपार आखै मंगै देह दे दात करे दातार फेर के अगे रखी है जित दुसै दरबार मुहाओ के बोलन बोली है जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच ना ओढ़ियाई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवै जानिए सब आपे सचियार थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविया गुणी निदान गाविया सुनिया मन रखिया पाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादंग गुरमुख वेदंग गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हों जाना आखा नाही कहना कथनो न जाई गुरा एक देह बुझाई सब ना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नावा जे तिस भावा मिण भाणे के नहाए करी जेती सेठो पाई वेखा मिण करमा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणिक जेक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानिया नाल चलै सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीर्त जगले जे तिस नदर न आवई ता बात न पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस तरे नानक निर्गुणे गुण करे गुणवंतिया गुण दे तिहा कोई न सुझई जे तिस गुण कोए करे सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनया धरत तबल आकाश सुनया दीप लो पाताल सुनया पोहे न सुखै काल नानक भगता सदा विगास हो सुनया दुख पाप का नास हो सुनया ईश्वर वर्मा इंदो सुनया मुखसा लहन मन दो सुनया जोग जुगत तन भेद सुनया शास्त्र सिमरत वेद नानक भगता सदा विगास हो सुनया दुख पाप का नास हो सुनया सत संतोख ज्ञान सुनया अठ सठ का स्नान सुनया पढ़ पढ़ पावै मान सुनया लागै सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया सरा गुणा के गाह सुनया सेख पीर पातशाह सुनया अंधे पावै राह सुनया हाथ होवै असगाह नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास
ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ ਕਾਗਦ ਕਰਮ ਲਿਖਣ ਹਾਰ ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧ ਹੈ ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭੁਣ ਕੀ ਸੁਧ ਹੈ ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ ਮੰਨੈ ਪਤਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ ਮੰਨੈ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੈ ਪੰਥ ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇ ਤੀ ਸੰਬੰਧ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨਾ ਭਿੱਖ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਿਆ ਕਾ ਪੂਤ ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝਾ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ ਧਵਲੈ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ ਤਿਸਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁੜੀ ਕਲਾਮ ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣਾ ਕੋਹੇ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ ਕੇਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣਾ ਕੌਣ ਕੂਤ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰੀਆਓ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਦ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪਤਾਉ ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ ਅਸੰਖ ਸੂਰਮੋਹ ਭਗਸਾਰ ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਅਲੇ ਵਲਾਇਤਾਰ ਕੁਦਰਤ ਕਮਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਦ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੈ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੇ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਯੋਗ ਵਖਾਣ ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਿਰ ਨਾਹੇ ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਤਿਬਾਹੇ ਜੇ ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾ ਨਾਉ ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਦ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ ਹੇ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੇ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵਹੁ ਜਾਹੁ ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਪਾਓ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਓ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਸਵਸਥ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ ਕਵਣ ਥਿੱਤ ਕਵਣ ਵਾਰੋ ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰੋ ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਣ ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਯੋਗੀ ਜਾਣੈ ਰੁੱਤ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ ਕਿਉਂ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਾ ਜਾਣੈ ਅੱਗਾ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋਹੈ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸ ਆਇਆ ਆਗਾਸ ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥੱਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਵਾਤ ਸਹਸ ਅਠਾਰਾ ਕਹਿਣ ਕਿਤੇਬਾ ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ ਨਦੀਆਂ ਤੈ ਵਾਹ ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਆ ਹੈ ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਹਾ ਮਨ ਮੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲਲਾਹੇ ਤਾ ਕੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਹੇ ਇਹੋ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਓ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਓ ਏਵੜ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ ਜੇਵੜ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੇਲ ਨਾ ਤਮਾਏ ਕੇਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ
ਕਿਤੇ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟੈ ਬੇਕਾਰ, ਕਿਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ, ਕਿਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਕਿਤੇ ਦੁਖ ਭੁਖ ਸਦਮਾਰ, ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇਹ, ਆਖੈ ਸੇ ਪੇ ਕੇਈ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਆਵਹਿ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਮੁੱਲ ਅਸਮਾਹ, ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਮੁੱਲ ਦੀਮਾਣ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਣ, ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਮੁੱਲ ਨੀਸਾਣ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਣ, ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਣ, ਆਖੈ ਬਰਮੇ ਆਖੈ ਇੰਦ, ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਬਿੰਦ, ਆਖੈ ਈਸਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ, ਆਖੈ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ, ਆਖੈ ਦਾਨਵ ਆਖੈ ਦੇਵ, ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵ, ਕੇਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇਹੇ, ਤਾਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੇਈ ਕੇਹੇ, ਜੇਵੜ ਪਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸੱਚਾ ਸੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਸਿਰ ਗਾ ਵਾਰਾਂ ਗਾ ਵਾਰ, ਸੋ ਦਾਰੁ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਨਾਦਾਂ ਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਭਰੀ ਸਿਉ ਕਈਨ, ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਤੋਨੋ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵੈ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣ ਹੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਇੰਦੇ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨੇ ਸੁਰਗਾ ਮਛ ਪਿਆਲੇ, ਗਾਵਨ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅੜਸੜ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਾਂ ਬਲਸੂਰਾ, ਗਾਵੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ, ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵੈ ਜੋਤ ਪਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿੱਤ ਨ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ, ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ, ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ, ਮਾਇਆ ਜਿਨੋਂ ਪਾਈ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ, ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰੁਜਾਈ, ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਤ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ, ਚਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾਕੀ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵ ਹੈ, ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਣ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ, ਜਿਵਤ ਸੁਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਣ, ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲੱਖ ਹੋਹ, ਲੱਖ ਹੋਵੈ ਲੱਖ ਵੀਸ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼, ਏ ਤੁਰਾਹ ਪਤ ਪਵੜੀਆ, ਚੜੀਆ ਹੋਏ ਕੀਸ, ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ ਕੀ, ਕੀਟਾ ਆ ਈਰੀਸ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ, ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ, ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ, ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਏ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪਰਵਾਣ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਣ, ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ, ਧਰਮ ਖੰਡਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ, ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਕੜੀ ਹੈ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ,
ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਤੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਿਥੈ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋੜ ਆਨੰਦ ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਤਿਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ ਤਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾਂ ਸਦਾ ਕੀ ਸੁਧ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਤਿਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰ ਤਿਨਮੈ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਤਿਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮੈਂ ਮਮਾਹੇ ਤਾਕੇ ਰੂਪ ਮੈਂ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਓਹੇ ਮਰਹਿ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ ਤਿਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋ ਕਰੈ ਆਨੰਦੋ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰੋ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਤਿਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਤਿਥੈ ਲੋ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ ਵੇਖੈ ਵਿਕਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਪਾਓ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਤਿਤਾਲ ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਕਲ ਜਗਤ ਚੰਗੇ ਆਈਆ ਬੁਰੇ ਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਸਭੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਸਭੇ ਆਪਣੀ ਮੇਰੇ
अवतार अरदास सुनी दाता सुनी दाता अरदास सुनी दातार सुनी दातार अरदास सुनी दाता अपनी मेहर कर अपनी मेहर कर अपनी मेहर कर अपनी मेहर कर सबसे अपनी मेहर कर अपनी मेहर कर ले वो कलंक लगा कंठ लगाए ले वो कंठ लगाए कंठ लगाए अपनी मेहर कर अपनी मेहर कर अपनी मेहर कर अपनी मेहर कर सत्संग ना लपे बिन संगत मेल परिजे जी सत्संग ना लपे बिन संगत मेल
सत संग ना लबे बिन संगत मैं परिजे संग ना लपे बिन संगत मेल परिजे
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, चौथे गुरु नानक गुरु रामदास जी, उनका उच्चारण किया हुआ ये शब्द है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, गुरु रामदास जी। क्या कह रहे हैं शब्द में? बिन पागा सत्संग न लभे। सिंपल है, इसको तो समझाने की भी जरूरत नहीं। बिना भागों के, बिना बड़े भागों के, बड़ भागों के, नेक कर्मों के। भाग कैसे बनते हैं? भाग किसे कहते हैं? किस्मत। किस्मत किसे कहते हैं? अपने किए हुए कर्म ही किस्मत बनते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोग कहते हैं ना किस्मत का खा रहा है, किस्मत इसके किए हुए कर्म ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बच्चा अंबानी के घर में पैदा हो रहा है, एक बच्चा झोंपड़पट्टी में पैदा हो रहा है, अभी तो उन्होंने कोई कर्म किया ही नहीं, किस्मत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किए हुए कर्म, एक को पैदा होते एक अरबों की खरबों की जायदाद, हर चीज मांगने से पहले एक सारा जीवन तरसेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाग्य क्या होता है? अपने किए हुए कर्म ही भाग्य बनते हैं, इसलिए कहते हैं हर कर्म को सोच कर करो, आगे ये भाग्य बनेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज किसी के हेरा फेरी करके अपना दिमाग लगा के किसी को लूट रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं कि इसे मूर्ख बना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 99% मूर्ख बनते नहीं है लोग, इसे धोखाधड़ी कहते हैं, उसने तेरे पे विश्वास किया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम जिसे अपनी चालाकी समझते हैं, असल में वो विश्वासघात है। किसने तुझ पर भरोसा किया था, विश्वास किया था, तूने उसका विश्वास तोड़ा और कह रहा है कि मैंने अपनी अकल से कमाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आज तू कर रहा है, कई गुना ज्यादा तेरे साथ होगा। फिर कहते हैं आज पता नहीं कौन सा कर्म किया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी कहते हैं ना पता नहीं कौन सा कर्म किया था, आज ये दिन देखने को मिला। कर्म होते हैं अपने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी कह रहे हैं तेरे नेक कर्म इकट्ठे हो जाए ढेरों, फिर जाके ये सत्संगत मिलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर बिन संगत मैल परिजय जी, इस मन पर मैल चढ़ती रहती है बिना संगत की, संगत नहीं मिली मैल चढ़ती जाती है। कई लोग मिलते हैं ऐसे जो कहते हैं नेक काम करने चाहिए, सच बोलना चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, नेक कमाई करनी चाहिए, किसी का हक नहीं मारना चाहिए, सत्संगत करने की जरूरत नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे कई लोग होते हैं और सुनने में बात बड़ी अच्छी भी लगती है। एक्चुअली मतलब सत्संगत का तो यही है ना कि प्रैक्टिकल जीवन में बदलाव आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर बाणी कुछ और कहती है, बाणी कहती है बिन संगत मैल पर ही जियो। अगर तू सत्संग नहीं करेगा तेरे पास जितने भी नेक गुण हैं एक एक करके खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर सत्संगत की वार लग गई, तू सत्संगत में आता रहा नेक काम करते हुए, तेरे नेक गुण बढ़ते जाएंगे, अवगुण जो थोड़े बहुत हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। और अगर नहीं आएगा, गुण खत्म हो जाएंगे अवगुण बढ़ते जाएंगे। मन एक ना चेतस मूड मना हर विषत तेरे गुण गलिया। अगर तू नाम नहीं जपेगा, अगर सत्संगत नहीं करेगा, तेरे जो गुण है वो भी खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी को वचन याद कर लिया करो ना, जब किसी ने कहा था कि फलाना आदमी आपका सत्संगी है, शराब भी पीता है, मांस भी खाता है, सारे गलत काम करता है, इसी से तो हम हैं, आपकी संगत में नहीं आते पर ये सारे गलत काम तो नहीं करते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे नहीं, फिर भी वो तेरे से अच्छा है। वो कहने लगे कैसे? कहने लगे वो रोज संगत में आ रहा है, सुन रहा है, कब चोट लग जाएगी पता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए आते हैं ना, अपने मन में झाको। सालों से कई आ रहे होते हैं, अचानक चोट लग जाती है, शराब छूट जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जीवन पलटी खा जाता है। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे जो रोज आ रहा है, आज सुधरा के कल सुधरा पता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू नहीं आ रहा, तेरे में गुण है, तू सही बात कह रहा है, नहीं पीता नहीं खाता, पर आत्मा कमजोर होती जाएगी, एक दिन खाने पीने लग जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सत्संगत बहुत जरूरी है, लाजमी है, पर मिलती कैसे है? बड़े भागों से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी कह रहे हैं बिन पागा सत्संग न लभे, नहीं मिलती। ये कुछ बहुत बड़े भाग हो तो सत्संगत मिलती है। और बाबा नंद सिंह जी के वचन
पुण्यों का शिखर सूरज की तरह ऊपर चमक रहा हो, इतने ज्यादा पुण्य हो तो पूर्ण महापुरुषों की संगत मिलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये पुण्यों का सूरज कैसे बनेगा? सत्संगत में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब यहाँ पर पॉइंट कुछ और है। गुरु रामदास जी कह रहे हैं कि बिना बड़े भागों के सत्संगत प्राप्त नहीं होती। हमारा पॉइंट तो इसके आगे का चल रहा है। अब बड़े भागों से सत्संगत मिल गई पर अगर करने का ढंग ना आया तो इससे बड़े अभागे कौन होंगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आकर भी खाली रह जाए, आए हैं सत्संग में पर अगर खाली रह गए, बड़े भागों के बाद भी खाली रह गए, तो सबसे बड़ा भागा तो वो हुआ ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक आदमी एक एम लेकर चलता है कि मैंने वहां पहुंचना है, पहुंचने के बाद भी उसका काम ना हो, अभागा तो वो हुआ जो इतनी मेहनत करके पहुंचा फिर भी काम ना बना, जो नहीं गया उसका तो गया ही क्या। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो सत्संग में नहीं आए उनका क्या गया, जो आकर भी ना पा पाए कितना बड़ा लॉस है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यही हमारा टॉपिक चल रहा है कि सत्संग में आकर भी अगर गवा लिया ना पा पाए तो खाली ना रह जाए। गुरु मेहर करे हमें ज्ञान मिल जाए, जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज समझा रहे हैं। हमने कई कानून समझे हैं, अब आगे की स्थिति को समझते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए दो पंक्तियां पढ़ लिया। बिन पागा सत्संग ना लबे, बिन संगत मैल परी जे जीओ। सत्संग ना लबे, ये जो धुन हम गा रहे हैं ना, एक बड़े महान कीर्तनी हुए हैं जिन्होंने अभी अभी शरीर छोड़ा है, भाई साहब भाई गुरमेज सिंह जी। सूर में थे, देख नहीं सकते थे, हरमंदिर साहब के शिरोमणि कीर्तनी में से गिने जाते थे। ये उनकी बनाई हुई धुन है, बड़ी ही प्यारी मीठी धुन। बिन पागा सत्संग न लब्बे, और सब मिलके गाए। बिन पागा सत्संग न लब्बे, बिन संगत में परी जे जीओ। सत्संग न लब्बे, बिन संगत में परी। बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष वचन किया करता थे, पांच प्रकार के श्रेणियां होती हैं जो संगत में आते हैं गुरसिख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब हमने यहाँ पर पहचानने हमारी श्रेणी कौन सी है। पांच प्रकार की श्रेणियां, पांच श्रेणियों में बांटा गया सत्संगियों को। पहली श्रेणी है, पांच श्रेणियां चकोर की, चात्रिक की, हंस की, तोते की और बंदर की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर इनकी वृत्तियों की बात की गई है, चकोर, चात्रिक, हंस, तोता और बंदर। पांच श्रेणियों के सत्संगी आते हैं सत्संग में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब हमने विचार करना है कि हम किस श्रेणी में आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। चकोर, चकोर की प्रीत चांद से है। वो चांद को जब पूर्णिमा की रात होती है ना, एक टक देखता रहता है चांद को, गर्दन उठाकर ऐसे देखता रहता है टेढ़ा होकर। और कई बार देखते 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 उसकी गर्दन तक टूट जाती है, मर तक जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर वो चांद से अपनी नजर नहीं हटा पाता, एक टक चांद को देखता रहता है, उसकी प्रीत चांद से, चकोर की प्रीत चांद से। उसे और कुछ दिखाई नहीं देता, और कुछ सुनाई नहीं देता, केवल एक चांद की तरफ उसकी नजर, प्रेम उसका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरुवाणी में कई जगह पर इसका प्रमाणित किया गया है कि चकोर की प्रीत जैसे चांद से है वैसे तो गुरु से प्रीत कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहते थे ये उत्तम श्रेणी के गुरसिख हैं जो सत्संग में आते हैं। इनके सूरत शब्द से
कौन आया है कौन गया है इन्हें नहीं पता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन क्या पहन के आया, किसी ने माथा टेका, कहाँ बैठा है इन्हें नहीं पता। इनकी सुरत शब्द से जुड़ी होती आंखें बंद, अगर आंखें खुली हैं तो दर्शन करती हैं गुरु के और किसी को नहीं देखते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उत्तम सत्संगी, किसी से कोई लेना देना नहीं सिवाय गुरु के और गुरु के शब्द से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या हम ऐसे हैं? अगर नहीं है तो ये एम रखो, यहाँ तक पहुंचना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आकर बैठ गए, मन को समझाओ आया क्यों है नींद खराब करके, कि ये देखने कौन क्या पहन के आया कौन क्या कर रहे है? नहीं, तू शब्द से सूरत को जोड़ने आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस जोड़ ले, एक एक शब्द का रस पी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये उत्तम श्रेणी आती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बाद आती है चात्रिक की श्रेणी। चात्रिक, समुद्र भरा पड़ा है पानी से, नदियां भरी पड़ी, तालाब भरे पड़े हैं, चाहे कितनी भी बरसात हो चात्रिक को चाहिए स्वांति बूंद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चात्रिक को प्यास है, एक वो शांति बूंद की जो उसके मुख में पड़ेगी उसकी प्यास उससे बुझती है। चात्रिक कहते थे वो अवस्था है गुरसिख की जिसे ज्ञान है कि सच्चा संत कौन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो झूठे की संगत नहीं करेगा क्योंकि उसे ज्ञान है, उसे वही एक बूंद चाहिए चाहे कितना भी सागर भरा हो पानी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी वृत्ति जौहरी की वृत्ति कह लो तो उसे हीरे का मूल्य पता है कि हीरा कहां पर है। वो केवल सच का संगत करेंगे, झूठ की संगत नहीं करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चात्रिक की वृत्ति। तीसरी आती है हंस वृत्ति। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब हंस वृत्ति क्या है? हंस को ईश्वर की देन है, उसे विवेक ज्ञान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, विवेक ज्ञान। उसके आगे दूध रख दो ना हंस के आगे, तो वो दूध को पानी से अलग कर लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है। कैसे होता है ये? एक्चुअली में उसके चोंच के अंदर खटास होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो जैसे दूध में चोंच डालता है पनीर बन जाता है, दूध अलग पानी अलग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पनीर खा के वो उड़ जाता है, पानी छोड़ देता है। कहते हंस वृत्ति वो गुरसिख सत्संग में आए, अब प्रवचन करने वाला किसी भी तरह का हो सकता है वृत्ति वाला, वो तोड़ने वाला भी हो सकता है कि नाम जपने की जरूरत नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेले उठने की जरूरत नहीं, नेक काम करो, ऐसे भी हो सकते हैं ना। कोई बोले प्रभाव में आ जाते हैं लोग। कोई ये भी कह सकता है मांस खा लो कोई बात नहीं कुछ नहीं होता। हंस वृत्ति वो जो दूध ले लेता है पानी छोड़ देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो बात गुरु से जोड़ती है, बाबा नंद सिंह जी के वचन, हंस वृत्ति कौन सी? गुरु से क्या करता है वो? जिस बात को सुनकर गुरु से प्रेम बढ़े, जिस बात को सुनकर अमृत वेला बढ़े, नितनेम बढ़े, जिस बात को सुनकर गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़े, गुरु से जोड़े जो बात, वो बात ले लेता है, बाकी सारी बातें वो छोड़ देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कम से कम ये लेवल होना चाहिए, कम से कम इतना ज्ञान तो हो जाए कि क्या ग्रहण करना है और क्या नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और सिंपल तरीका बता दिया बाबा नंद सिंह जी ने कि जो बात गुरु से जोड़े, जो बात गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ाए, जो बात गुरु के प्रति शंका पैदा करे, छोड़ दो उधर ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे जैसे कई आएंगे कई चले जाएंगे, सब अपना अपना ज्ञान बांटेंगे, लेना वो जो बात गुरु से जोड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बिन पागा सत्संग ना लबे, बिन संगत मेल परिजे। पागा
सतसंग ना लबे बिन संगत में परिजे जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पांच श्रेणियां चकोर चात्रिक हंस, अब चौथी श्रेणी है तोते की श्रेणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों के वचन वाणी सुनते हैं और फिर रटते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनते हैं ताकि बाहर जाकर दूसरों को सुना सके, प्रभाव डाल सके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनने का उनका भाव ये नहीं कि जीवन में बदलाव लाना है, सुनने का उनका भाव ये कि बाहर जाके हमने सुनाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्ञान बांटना है, दिखाना है कि मुझे कितना ज्ञान है। महापुरुष कहते थे फिर भी धन है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक कहते थे वाणी की ताकत वर्तेगी, ये तोता बिरती हंस बिरती बन जाएगा एक दिन। आज अगर सुन रहा है, रट रहा है, याद कर रहा है वाणी सुनाने के लिए, ये वाणी जब भीतर जाएगी इसमें बदलाव ले आएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वाणी की ताकत है, ये रटेगा इसके लिए कि सुनाना है, पर ये वाणी रटते रटते वाणी से ऐसे जुड़ जाएगा, ज्ञान ऐसे प्राप्त हो जाएगा कि तोते से हंस बन जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन है वो भी जो वाणी को याद करते हैं, चाहे सुनाने के लिए ही सही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और पांचवें आते हैं हमारे जैसे बंदर बिरती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो टिकाव नहीं है, इसने क्या पहना, उसने क्या किया, इसने क्या गलती की, टिकना नहीं, कभी यहाँ कभी वहां टिक कर बैठ ही नहीं सकते, उछलते रहना बंदर के जैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना खुद टिकना संगत में, ना दूसरे को टिकने देना, ध्यान सबको भटकाते रहना, ये बंदर बिरती है। महापुरुष वचन किया था ऐसे तो ना आए तो अच्छा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि जोड़ने जैसा पुण्य नहीं, तोड़ने जैसा पाप नहीं। संगत में जब किसी का ध्यान बदलता है हमारी वजह से, समझो किसी की बेल बज गई मोबाइल की, और किसी का ध्यान टूट गया, बड़ी मुश्किल से सुरत जुड़ती है यहाँ पर, बड़ी मुश्किल से। और ध्यान टूट जाए बहुत बड़ा पाप है। और ये मैं नहीं कह रहा, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बताया है सत्संगत करने का, श्रवण कीजिए, जो भाई नंदलाल जी को बता रहे हैं। वो हर जस सुनते बात चलावे, कानून सत्संगत का कि हर जस चल रहा है पर कोई आके बात करता है किसी से बीच में आके, कोई भी बात हो, कोई भी हो, वाणी कह रही है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बात होती है सेवादार को करनी पड़ती है संगत को जोड़ने के लिए, कुछ काम है। एक फालतू बात होती है ऐसे ही जिसकी कोई सेंस नहीं यहाँ पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई बिजनेस की बात, कोई घर की बात, कैसे हो, क्या हाल है, ये जगह नहीं है, वो पार्टी नहीं चल रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर केवल नाम सत्संगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम वखानी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं अगर सत्संग चल रहा है, जुड़े हुए लोग, तू बीच में आके बात करता है किसी भी प्रकार की, क्या होता है, श्रवण कीजिए। हर जस सुनते बात चलावे, कहे गोविंद सिंह वो जमपुर जावे, कहे गोविंद सिंह वो जमपुर जावे। घर से बोलिए धन गुरु नानक। कितने करड़े लफ्ज हैं, बोलने को भी मन नहीं करता। सत्संग में आने के बाद भी अगर जमदूतों के हथे ही चढ़ना है, नरकों में ही जाना है, तो क्या लाभ सत्संग में आने का। पर अगर सत्संग में कोई बात करता है, किसी की वृत्ति तोड़ता है, उसकी वजह से किसी की लिव टूटती है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं उसे नरकों में जाना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितनी हमारे लिए कितनी छोटी बात है, ये आम बात है बात करनी सत्संगत में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
बहुत अवॉइड किया करो, बहुत डर के रहा करो, भय में। एक होता है पिता से आदमी डरता नहीं है, पिता से निर्मल भाव होता है, रिस्पेक्ट होती है, एक डर होता है, वो डर गुरु के लिए होना चाहिए, गुरु के प्रति वो भाव, निर्मल भाव। साध संगत बिन पाव नहीं उपजाए, पाव बिन भगत नहीं होए तेरी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर आकर तो भाव पैदा करना है, भाव कैसे पैदा होगा, भाव से थोड़ा डर होना चाहिए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि मुझसे भूल ना हो जाए। अनजाने में गलती की माफी है, जानबूझ के की गई गलती की माफी नहीं है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर जस सुनते बात चलावे, कहे गोविंद सिंह वो जमपुर जावे। आगे सुनिए आगे का कानून। निर्धन देख न पास बहावे, निर्धन देख न पास बहावे, सोतन खाही धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं सत्संगत में आ गया है, अमीर आदमी संगत में आ गया है, अब कोई गरीब पास में आके बैठ गया है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, यह उसे अवॉइड करता है या उससे घिन करता है, या जब गरीब बैठे वहां जाके नहीं बैठता, ढूंढता है अमीर कहां बैठे वहां जाके बैठो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं सजा का हकदार है, संगत में आके भी भेदभाव कर रहा है अमीर गरीब का, ये गुरु नानक पातशाह ने ये सारे भेदभाव खत्म किए, हर प्रकार के, कोई भी जाति का हो, किसी भी श्रेणी का हो, अमीर हो गरीब हो, कहां से आया, कौन से शहर से, किस जात का, कोई लेना देना नहीं है, सत्संगत है ये, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कोई इस प्रकार से करता है, कुछ करते होंगे लोग, तभी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, के निर्धन देख ना पास बहावे, अपने पास बिठाता नहीं क्योंकि गरीब है, सजा का हकदार है, सो तनखा ही मूल कहावे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आगे श्रवण कीजिए आगे के कानून, सारे कानून सुन लीजिए। शब्द ज्ञान बिन करे जो बात, काक कछु न आवे हाथ, ओ शब्द ज्ञान बिन करे जो बात, काक कछु न आवे हाथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सत्संगत में आ गया है, अगर कोई बात करनी पड़ी भी है, सत्संगत खत्म हुआ है, सत्संग आने से पहले आ गया है, सत्संगत में तो बात करनी ही नहीं है, सत्संगत से पहले आया है, सत्संगत से बाद में। शब्द ज्ञान बिन करे जो बात, अभी सत्संग सुन लिया है तो बात होना क्या चाहिए, बाहर जाके विचार हो कि भाई साहब ने आज क्या कहा है, गुरबाणी में आज गुरु साहब जी ने क्या समझाया है, ये विचार होने चाहिए आपस में, अगर चाय में खड़े हो तो बातें ये होनी चाहिए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्या सीखा है आज, उसके बारे में विचार करो। और अगर ऐसा नहीं करता तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही चला गया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कुछ नहीं लेके गया। शब्द ज्ञान बिन करे जो बात, ता कह कछु ना आवे हाथ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब खाली जाना है क्या, नहीं ना, या तो सिमरन करो, या तो अगर कोई बात करता भी है तो उसको बोलो शब्द की बात करो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आगे शब्द पोगना निवावे शीश, शब्द पोगना निवावे शीश, ताको मिले न पर जगदीश, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए इसको थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा, इस पंक्ति को, शब्द भोग ना निवावे शीश। कई लोग आते हैं, कई लोग बिना माथा टेके बैठ जाते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, और बिना माथा टेके ही चले जाते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं भोग के बाद जाना चाहिए माथा टेक के, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक तो एक राजा बैठा है, वो
कोई आके बिना सजदा किए सर झुकाए खड़ा हो जाए सीधा जेल में डाल देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये कौन है? राजन के राजा, महाराजन के महाराजा। इसने कुछ नहीं कहना, इसने कुछ नहीं कहना, पर हमने सब गवा लेना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो बख्शनहार है, कोई सर झुकाए बिना बैठे ये उस पर भी दया कर देगा, उसको भी सब कुछ मिलेगा, पर वो खुद नहीं मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पैसे तो धन, हम नापते कैसे इंसान के, कि इंसान कामयाब है, इसके पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, हम इस प्रकार से नापते। वाणी कहती है नहीं, मेरी नजर में सबसे बड़ा गरीब है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहब जी कहते हैं उनकी नजर में अमीर कौन, जिसके पास अमृत वेला, जिसके पास नितनेम, जिसके पास नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि जहां पर नाम है सब कुछ आ जाना है वहां पर एक दिन, और जहां पर नाम नहीं है सब कुछ चला जाना है एक दिन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आप देखिए अपने पीछे घूमकर, कुछ साल पहले जो करोड़पति थे आज रोड़पति हैं, और जो रोड़पति थे वो करोड़पति। ये ऊपर नीचे चलता रहता है। जिसने नाम संभाल लिया, जिसने अमृत वेला संभाल लिया, उसकी जो नियामतें हैं वो बनी रहती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस शर्ते अहंकार ना करें, विनम्रता में रहे, गुरु तेरा दिया हुआ है। कई कहते हैं हमने मेहनत से पाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अभी कोई गुरुमुख बात सुना रहे थे, बड़ी प्यारी घटना है, अभी अभी की है। परिवार भोजन खा रहा है और उन्होंने जमीन ली है कहीं पर, गलियों में रहते हैं पर अभी बड़ी जमीन ले ली है जहाँ पे कोठी बनानी है। तो एक छोटा बेटा है, उसने ये बात सुनाई है। वो कहता है कि मैंने कह दिया गुरु रामदास जी की कितनी कृपा, अभी गलियों से निकल के बंगले में जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब, भाई गुरुगोपाल सिंह जी के जत्थे के किसी कीर्तनी ने यह घटना सुनाई, बड़ी प्यारी। कहने लगे कि छोटा बेटा कहने लगा कि गुरु रामदास जी की कितनी कृपा है, वो गुरु रामदास जी के दर जाता था रोज। तो कहने लगे पिता और भाई दोनों झगड़ने लगे, गुरु रामदास जी ने क्या किया, 30 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी ने क्या किया, गुरु रामदास जी ने क्या किया, उनकी कौन सी कृपा, 30 साल मेहनत की फिर जाके जमीन ली है। कहने लगे मैं चुप कर गया, क्या कहता, बड़ी कह रहे हैं। मैंने समझाने की कोशिश की पर नहीं समझे कि गुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब कहते हैं इतने साल हो गए हैं वो कोठी जहाँ पे जमीन ली थी उस पर पड़ोसी ने केस कर दिया, साइड वाले ने केस कर दिया, कई कुछ हो गया, वो पैसे भी हैं हाथ में, पर वो बंगला बन नहीं पाया, कई साल हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब कहाँ गई मेहनत, पैसे भी हैं मेहनत भी है, बिना कृपा के सुख नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बहुत बड़ी गलत फहमी होती है हमारी कि हम अपनी मेहनत से करते हैं। भवन अंचन जी मुस्कुराते थे, कोई आके कहता था ना अपनी मेहनत से बनाओ, कहते गुरु की कृपा से। कोई डॉक्टर भी बने गुरु की कृपा से बने, मेहनत तो रोड पर मजदूर करते हैं, उतनी मेहनत करके क्या मिलता है उनको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लेकिन हाली पैसे मन एक ऊपर रहन खड़े, तीना सवारे नानका जिनको नदर करे, एक सोया हुआ है एक खड़ा रह के पंखा कर रहा है उसके ऊपर, दोनों में इतना अंतर, एक आराम से मखमली गद्दों में सोया है, एक नौकर खड़ा रह के पंखा कर रहा है, दोनों के कर्मों में इतना अंतर कैसे। तो सवाल का जवाब दिया है, एक निहाली पैस मन एक ऊपर रहन खड़े, तिना सवारे नानका, उसने नाम जपा है उसके ऊपर नदर हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तिना सवारे नानका जिनको नदर करे, क्यों नदर करे ता सिमरिया जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने सिमरन की है, भक्ति की है, वो सुखी है, जिसने नहीं की वो दुखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब कुछ होते हुए भी रोते बिलखते देखे हैं मैंने लोग, करोड़ों रुपए हैं पर चैन नहीं है मन का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम जो संगत में मिलेगा। वड पागी हरि संगत पा छोटा
सर झुकाए बिना आके बैठ जाएंगे, गुरु का कुछ नहीं जाना, हमें कुछ मिलना नहीं। प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक। हम माथा टेके बिना आज्ञा लेके जाते हैं, आज्ञा प्रतख मानो, अगर कहते हैं गुरु ग्रंथ जी मानो प्रगट गुरा की दे, प्रगट गुरा की दे है ये। अगर गुरु बैठा है प्रतख तो जाते तो पाछा आज्ञा बख्शी जाने की, कल फिर से आने की हिम्मत बख्शना। प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक। आज्ञा लेके जाओ जैसे गुरु नानक बैठा है, क्योंकि बैठा ही है, हमें नहीं दिखता क्योंकि हमारे अंदर वो फीलिंग नहीं है। चलो हम अपनी मत छोड़ देना यहाँ पे, बाबा नंद सिंह जी कहते हैं बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं बैठा है तो बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सत्कार, जितना गुरु का सत्कार करेंगे उतनी ज्यादा सुमत मिलेगी, बाबा नंद सिंह जी के वचन। जितना ज्यादा सत्कार करेंगे, दंडौत दंडौत प्रणाम करने से कई गुना ज्यादा फल मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर दंडौत पुन वड्डा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितनी श्रद्धा से प्रेम से, एक्चुअली तो अंदर का होना चाहिए, मैं बाहर चुके वेख लिया हूं, अंदर झुकना बाकी है, अंदर से झुकना होना चाहिए। चाहे दंडौत हो, चाहे माथा टेकना हो, चाहे कोई हाथ जोड़ के खड़ा हो, झुकना भीतर से है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बिन पागा सतसंग न लभे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं, शब्द भोगना निवावे शीश, ताको मिले ना परम जगदीश। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आगे सुनिए। लगे दीवान सुन मूल न जावे, रह बिना पर साध वरतान। घर से बोलिए धन गुरु नानक। एक्चुअली मैंने साखियां भी लेनी थी, पर पौने छो तो ऐसे ही हो गए। एक बड़ी प्यारी साखी थी, पर ये भी बहुत जरूरी है, सत्संग की महिमा की साखी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे सत्संगत किस्मत पलट के रख देती है, बदल के रख देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर ये पंक्तियां भी बहुत कीमती है। लगे दीवान सुन मूल ना जावे, घर के पास दीवान लगा हो, सत्संग हो रहा हो, और ये जाए नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रह बिना प्रसाद वर्तावे, ये पंक्ति तो ऐसी है कि इसके ऊपर एक हफ्ता कथा हो सकती है। रह बिना प्रसाद वर्तावे, बिना रहत के जो प्रसाद वर्ताता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर बात आ रही है कड़ा प्रसाद की और लंगर प्रसाद की। इसमें बहुत सारे कानून हैं, हम बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं, ये एक अलग ही चैप्टर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शॉर्ट में कुछ बातें बता देता है दास। लंगर प्रसाद, अगर नाम जपते हुए नहीं कट रही सब्जी, नाम जपते हुए नहीं बन रही रोटी, नाम जपते हुए नहीं संगत बना रही लंगर प्रसाद, तो वो लंगर नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो होटल का खाना है। फिर संगत बनाए जो, जिसे शेफ से ना बनवाया जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपते हुए अगर मर्यादा देखनी लंगर साहब की, तो लंगर साहब गुरुद्वारे में चले जाओ, नांदेड़ हजूर साहब। सबसे सही तरीके से जो लंगर बनता है वो लंगर साहब गुरुद्वारे में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब्जी काटते हुए वाह, सतनाम वाहेगुरु का जाप। पहले तो जितने सेवादार हैं जो लंगर की सेवा करते हैं, अमृत वेले ढाई घंटे उनको सतनाम वाहेगुरु का जाप करवाया जाता है पहले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो ही वो सेवादार की श्रेणी में गिना जाता है, जिसका नेम पक्का है अमृत वेले का, उसके बिना सेवा नहीं मिलती वहां पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ढाई घंटे सुबह अमृत वेले वहां जाएंगे तो पिलर के आसपास घुमा घुमा के सतनाम वाहेगुरु कराते, ताकि नींद ना आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बाद लंगर काटते हुए, चाहे माइयां काटे चाहे आदमी काटे, काटते हुए सतनाम वाहेगुरु का जाप, आटा गूंथते हुए सतनाम वाहेगुरु का जाप, बांटते हुए सतनाम वाहेगुरु का जाप, क्योंकि वो शब्द ही है जो रोटी को लंगर प्रसाद बनाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक तरफ फाइव स्टार होटल का खाना ले लो, एक तरफ गुरु का लंगर ले लो वहां का, एक कोई तुलना ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास ने सेवादारों को 100 बार बेनती की है, 100 बार। गुरु की मेहर से बहुत लोग बात मानते हैं, पर कई लोग फिर बातें कर रहे होते हैं। तो दास ने स्पेशली मैसेज किया था कि ध्यान दो,
लंगर प्रसाद बनाओ, क्योंकि गुरु साहब जी भोग तब लगाएंगे जब बातें करते हुए नहीं बनेगा। तो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और सबसे सख्त बात गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की यहाँ पर लंगर प्रसाद में, एक्चुअली ये बहुत बड़ा टॉपिक है, दास बहुत शॉर्ट में ले रहे हैं। किसी भी प्रकार का नशेड़ी हो, किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करता हो, वो लंगर में बिल्कुल ना जाए, सेवा में बिल्कुल ना जाए। उसके हाथ अगर लंगर बनाने में लगे, गुरु साहब जी भोग नहीं लगाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बड़ी सख्ताई से ये बात की हुई है, सुहा पहन लय नसवार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहे गोविंद सिंह जम करे खुआर, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं जमदूतों के अथे चढ़ेगा अगर नशा करके सेवा में जाता है तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यहां पर एक पॉइंट और लिखा हुआ है, सुहा पहन, सुहा, ये छोटा सा पॉइंट है, थोड़ा समझ लेना। हमारे में से बहुत लोग इस प्रकार के कपड़े पहन के आते हैं कि लोगों का ध्यान जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर इंसान क्यों आए हैं उठ के, ध्यान जाए किसके पे, शब्द पे, गुरु पे। अगर कोई इस तरह से तैयार होके आता है कि लोगों का ध्यान उस पर जाए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं नरकों में जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि बिरती खंडा रहा है लोगों की, कोई लड़की बहुत ज्यादा तैयार होकर आए ऐसे कपड़े पहने के उसकी तरफ ध्यान जाए तो वो क्या कर रही है, इनडायरेक्टली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है गुरु को छुड़ाकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये नहीं कहा, यहाँ पर इतनी सख्ताई से कोई मनाही नहीं है, सिर्फ इतना कहा है कि ऐसे भड़कीले कपड़े, ऐसे इस तरह से कुछ मत बन के तैयार होकर आओ। मैं नहीं कह रहा, मुझ पे नहीं नाराज हो जाना माता बहने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं। कोई चाहे कोई लड़का हो इस तरह से तैयार होकर आए कि लोगों का ध्यान जाए भड़कीले कपड़े पहनकर, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं यहाँ पर हम आए हैं गुरु से सुरत जोड़ने, अपने से जोड़ने नहीं, सुरत तोड़ने नहीं। चाहे बात करके ध्यान बदलाया, चाहे कपड़े पहनकर ध्यान बदलाया, किसी प्रकार से संगत का ध्यान बदलाया हटाया तो वो पाप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाहर है ना सारी दुनिया ये सब करने के लिए, सत्संगत को छोड़ दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बिन पागा सतसंग ना लपे, बिन संगत मैल परिजे जी। संग न लपे बिन संगत मेल परिजे जी। धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज हरमंदिर साहब में विराजमान है, श्री अमृतसर साहब में। संगत लाहौर से आ रही है नाम जपते हुए दर्शनों को। एक जंगल से गुजरी संगत, तो वहां पर एक बड़ा सांप आकर सामने खड़ा हो गया। संगत ने देखा सांप है, मारा नहीं हटाया नहीं, दूसरी तरफ से जाने की कोशिश की, सांप दूसरी तरफ आके सामने खड़ा हो गया। दो तीन बार रास्ता बदलने की कोशिश की सांप सामने आ जाए, तो प्राय प्रेम वाले गुरसिख थे, कमाई वाले, उनको बात समझ में आ गई और उनके पास मटके थे कुछ सामान के, खाली किया एक मटका और सांप से कहा अगर दर्शनों के लिए चलना चाहता है तो इसमें आ जा, मटका रख दिया, सांप उस मटके में आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो समझ गया कि ये जाना चाहता है, कोई हो गई रो बिछड़ी हुई। बहुत शॉर्ट में दास ले रहे हैं समझाने के लिए, क्योंकि समय हो गया है। जब वहां गए हरमंदिर साहब पहुंचे, जहां बाहर सामान रखा जोड़े उतारे, मटका भी वहीं छोड़ के अंदर चले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक,
गुरु अर्जन देव जी महाराज के आगे माथा टेका, सबने अपना दसवंध रखा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे, सारे नहीं आए, वो कहने लगे सब तो आगे पाछा, कहने लगे नहीं, एक सेवादार आप बाहर छोड़ा है जोड़े घर में, वो सांप प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, हमने ही बुलाया उसे, लेकर आओ। वो मटका लेके आए सांप को, वहां पे बाहर निकाला गया संगत में, सामने खड़े गुरु अर्जन देव जी महाराज के। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे, क्यों नहीं सीखा? तो सांप से कहते, क्यों नहीं सीखा? चल कोई बात नहीं, तूने सेवा भी बहुत की है, बख्शते, अब आगे से गलती मत करना। सांप ने अपना सर नीचे रखा, वहां पे प्राण त्याग दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत ने सेवादारों ने पूछा, पाचा हमें भी समझाओ ये क्या हुआ? कहने लगे, ये सेवादार, ये हमारा सेवादार था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत में रोज आता था, ये देखिए, ये जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं कि अगर संगत में आने का ढंग नहीं आया, संगत में आके अपना जीवन नहीं बदला, अगर वही गलतियां की जो बाहर करते हैं, तो 84 लाख जोनी है ना ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं गोलक में से पैसे चोरी करता था, गोलक होती है संगत की, महापुरुषों के दास को वचन है कि एक एक पैसे पे लोगों की अरदास होती है, एक 10 का नोट भी डालते तो 10 अरदास होती है, बच्चा ठीक हो जाए, पति ये हो जाए, वो हो जाए, बीमारी मेरी चली जाए, जो ये पैसे खाएगा सारी बीमारियां घर लेके जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत की माया संगत में इस्तेमाल के लिए होती है, संगत के कामों में लग जाए, कोई अगर इसे पर्सनल यूज करता है तो पाप ही पाप है, इससे बीमारियां भी लगती हैं, दुख भी आते हैं घर में, क्लेश भी आते हैं, और फिर ये तो है ही 84 जोनियां। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे, यहाँ पर आके संगत भी करता है, हमारे साथ भी रहता है, फिर भी गोलक में से पैसे चोरी कर लेता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समझाया भी था इसे, पर ये नहीं समझा, छिप कर लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नेक करने की जो बचन है वो तो हो नहीं है, संगत की गोली की माया खाई, सांप का जन्म मिला, क्योंकि धन चुराता था, ले सांप बन गया, पर इसने सेवा भी बहुत की थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माफिया मांग रहा था इसलिए इसे बख्श दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे लिए शिक्षा ये है, संगत में आके भी अगर हम जो बाहर करते हैं वही यहाँ पर भी किया तो कैसे प्राप्ति होगी? यहाँ पर तो हम लेने आए थे कि देने आए जो है वो भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु से कृपा मांगने आए, पाछा तरस कर हमें सत्संगत में बैठना उठना सिखा दे, तरस कर मुझसे कोई भूल ना हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे पाँव अंदर रखो विनम्रता में आ जाओ, माफी मांग लो पाछा, मैं ना किसी से कड़वा बोलूंगा, क्योंकि कड़वा बोलने की सजा भी है। भाई कीर्ति के पिता भाई शोभाराम, पृच की साखी सबने सुन रखी है, दास ने कितनी बार सुनाई है, पृच तमाशा दिखा रहे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, मुस्कुरा रहे हैं भाई कीर्ति, चौर साहब कर रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, हंस रहा है, कहने के हंस रहा है जिसके ऊपर तेरे पिता ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चौर साहब रख दी, क्या इतनी सेवा करने के बाद भी गुरु तेग बहादुर साहब जी के साथ रहे मेरे पिता भाई शोभाराम, इतनी सेवा करने के बाद भी अगर इसका जन्म है तो मैं क्यों सेवा करूं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपकी सेवा का लाभ ही क्या? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, सेवा करने का ढंग नहीं आया, तेरे पिता का स्वभाव बड़ा कड़वा था, संगत को कड़वे बोल बोलता था, दिल दुख जाते थे लोगों के। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने बहुत बार समझाया था कि संगत से कड़वे वचन मत किया कर, इतनी सेवा करते हैं विनम्रता मेरे, मीठा बोल नहीं तो चुप कर जा, पर उसने अपना स्वभाव नहीं बदला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बहुत ही कमाई वाला गुरसी खाया, बाहर गड्ढा छोड़कर आया, उसने कहा मुझे कड़ा प्रसाद पहले दे दे, तेरे पिताजी कड़ा प्रसाद बांट रहे थे, होता ना कि बाहर मेरी मुझे जाना है जल्दी कहीं, मुझे पहले कड़ा प्रसाद दे दे। वो बार बार कहने लगा, वो उसने कहा, तेरे पिता ने कहा क्यों रिच्छो की तरह ऊपर आ रहा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक संगत से कहा कि तू रिच्छो की तरह ऊपर क्यों आ रहा है, तो उस गुरसिक के मुख से निकल गया, कड़ा प्रसाद दिया नहीं, जब ऐसे हाथ के रिच्छो की तरह ऊपर क्यों आ रहा है, कड़ा प्रसाद की देख धरती पे गिर गई। उस गुरसिक ने वो देख उठाई, किनका अपने मुख पे लगाया और कहा, आंखों में आंसू आ गए इतने कड़वे लफ्ज सुन के, कि रिच्छ तो तू है जिसे संगत से बात करनी नहीं आती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब संगत में आकर भी सेवा करके भी, नौवें गुरु नानक पर तक सृष्टि के मालिक के साथ सेवा कर कर भी रिच का जन्म भोगना पड़ा, क्योंकि संगत करने का ढंग नहीं आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। डर के ना करो, हमें कोई कड़वा बोल जाए हम किसी को कड़वा ना बोले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। झुक जाओ, ये झुकने की जगह है। फल नेविया दरख्तानु लगदे ने,
तेने चुकना ना आवे तो मैं की करा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बिन पागा सतसंग ना लबे, बिन संगत मैल परी जे जी। कभी बाज बेंती चौपाई हमरी करो हाथ दे इच्छा पूर्ण हुए चित की इच्छा तो चरण बन रहे सब लोग सवारा नमस्कार है।
छुट्टी नाल बोलो
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी। सोम शुक्र मंगल शुक्र बुध वीर शुक्राना, शुक्र शनि इतवार भी तेरा, तेरा शुक्र करूं रोजाना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। रहमतों को तेरे गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं, रहमतों को तेरे गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा शुक्र मनाऊं मैं, उपकार तेरे गुरु जी गिन भी न पाऊं मैं, उपकार तेरे गुरु जी गिन भी न पाऊं। शुक्र मनाऊं तेरा शुक्र मनाऊं मैं, शुक्र मनाऊं तेरा शुक्र मनाऊं मैं। रहमतों को तेरे गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं, रहमतों को तेरे गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा शुक्र मनाऊं मैं, सुख में भी दुख में भी साथ निभाया है, हम चाहे भूले पर तूने ना भुलाया है। हो सुख में भी दुख में भी साथ निभाया है, हम चाहे भूले पर तूने ना भुलाया है। महिमा अपार तेरी दिन रात गाऊं मैं, शुक्र मनाऊं तेरा शुक्र मनाऊं मैं। रहमतों को तेरे गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं, रहमतों को तेरे गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा शुक्र मनाऊं मैं, तो यकीन मेरा तू ही विश्वास है, तुझसे ये जिंदगी में हर खुशी की आस है। तू ही तो यकीन मेरा तू ही विश्वास है, तुझसे ये जिंदगी में हर खुशी की आस है। चरणों में तेरे गुरु जी सर को झुकाऊं मैं, शुक्र मनाऊं तेरा शुक्र मनाऊं मैं। रहमतों को तेरे गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं, रहमतों को तेरे गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा शुक्र मनाऊं मैं, उपकार तेरे गुरु जी
गिन भी न पाऊं मैं। उपकार तेरे गुरु जी गिन भी न पाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा शुक्र मनाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा शुक्र मनाऊं मैं। रहमतों को तेरे गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा शुक्र मनाऊं 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 मैं। शुक्र मनाऊं तेरा शुक्र मनाऊं। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा Jesus।
जय गुरु जी की। गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक। जो ग्राउंड फ्लोर पर मरीज बैठे हैं, बाहर से आए हैं हॉस्पिटल से, उन्हें ये पेपर जरूर दे दिए जाए, वो वांझे ना रह जाए। एक बात यहां पर दास स्पष्ट कर दे साथ संगत जी के, जो शब्दों का जाप दास कराने जा रहा है, मेरी जगह कोई दूसरा कोई भी बैठा होगा ना, आप में से भी कोई, तो भी ये वही चमत्कार करेगी जो मेरे बोलने से होने वाला है। कहने का भाव, ये इसलिए देह अरोग नहीं होगी हमारी क्योंकि ये मैं करा रहा हूं, ये इसलिए होगी क्योंकि ये गुरबाणी की ताकत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। मेरे पास कई लोग आते हैं कि हमारी देह रोग हो जाएगी ना, हम आएंगे यहाँ पर, तो मैंने कहा मेरे कहने से नहीं होगी, ये आपकी भावना से होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक। जैसी जैसी भावना तैसा तैसा फल। गुरु मेहर करे हमें सुनने की, मन जोड़कर जपने की सुमत बख्शे, कृपा करें। आओ अब मन बिरत्या एकाग्रचित कर लीजिए, पीठ सीधी कर लीजिए, सावधान हो जाइए बिल्कुल, और सेवादारों से बेनती, किसी भी प्रकार का शोर ना होने दे, किसी भी प्रकार का। गुरु मेहर करें कि बिल्कुल मन एकाग्रचित हो जाए। गुरु नानक पातशाह मेहर करके हमारा मन अपने चरणों से जोड़ ले। मेरे देह में भी रोग है, इसकी देह में भी रोग हैं, ये भी बीमार हैं, हम सब बीमार हैं, किसी को छोटी बीमारी किसी को बड़ी। गुरु मेहर करें, गुरु नानक मेहर करें, तक की नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। ये गुरु नानक की मेहर के बिना हो सकता है? इतनी संगत रात को जुड़ी बैठी है संगत में, सत्संगत में, ये गुरु नानक की मेहर है यहाँ पर विशेष। आओ सब मिलकर पढ़े धन गुरु नानक धन गुरु नानक। पहले 13 बार मूल मंत्र का जाप, फिर उसके बाद इन शब्दों का जाप। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपहुं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम
करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसि भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसि भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसि भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसि भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसि भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसि भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसि भी सच धन गुरु नानक 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 बाणी गुरु बाणी गुरु गुरु है बाणी गुरु है बाणी विच बाणी विच बाणी अमृत सारे अमृत सारे बाणी गुरु बाणी गुरु गुरु है बाणी गुरु है बाणी विच बाणी विच बाणी अमृत सारे अमृत सारे गुरबाणी कहे गुरबाणी कहे सेवक जन माने सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे प्रतख गुरु निस्तारे तीने ताप तीने ताप निवारण हारा निवारण हारा दुख हंता दुख हंता सुख रास सुख रास तीने ताप निवारण हारा निवारण हारा दुख हंता सुख रास सुख रास
ताको विघन ना को लागे जा की प्रभ आगे अरदास ताको विघन ना को लागे जा की प्रभ आगे अरदास तीने तो निवारण हारा दुखहंता सुखरास ताको विघन नाको लगे जाके प्रभु आगे अरदास मलार महला चौथा हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल प्राण नाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार हे समरथ अगम पूरन मोह माया धार अंधकूप महापयान नानक पार उतार बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे परतख गुरु निस्तारे कोर दुख्यं अनिक हत्यं जन्म दारिद्रं महाविख्यातं कोर दुख्यं अनिक हत्यं जन्म दारिद्रं महाविख्यातं मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक कासट पसमं करोत नानक जैसे पावक कासट पसमं करोत घोर दुख्यं अनिक हत्यं जन्म दारिद्रं महाविख्यातं मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ट भस्मं करोत पौड़ी लल्ला लावो औखद जाहु दुख दर्द तह मिटह खिनाहु दुख दर्द तह मिटह खिनाहु दुख दर्द
भूख दर्द तह मिटह खिनाहु नाम औखद नाम औखद जह हृदय हितावे जह हृदय हितावे ताहे रोग सुपने नहीं आवे हर औखद सब घट है भाई गुर पूरे बिन विद ना बनाई गुर पूरे संजम कर दिया नानक तो फिर दुख ना थिया नानक तो फिर दुख ना थिया नानक तो फिर दुख ना थिया बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे सलोक दीन दर्द दुख पंजना कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ दीन दर्द दुख पंजना कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ भैरो महल्ला चौथा उठत सुखिया बैठत सुखिया भाव नहीं लागे जा ऐसे बुझिया राखा एक हमारा स्वामी राखा एक हमारा स्वामी राखा एक हमारा स्वामी सगल घटा का अंतर जामी रहाओ सोए अचिंता जाग अचिंता जहां कहां प्रभ तू वर्तनता घर सुख वसया बाहर सुख पाया कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया घर सुख वसया बाहर सुख पाया कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे प्रतख गुरु निस्तारे एक आस हर मन रखो
एक आस राखो मन माहे एक आस राखो मन माहे एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे सर्व रोग नानक मिट जाहे एक आस राखो राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाए सोरठ महला पंजवां गए कलेश रोग सब नासे प्रभ अपने कृपा धारी आठ पहर आराधो स्वामी पूरन घाल हमारी हर जियो तू सुख संपत रास हर जियो तू सुख संपत रास राख लेहो भाई मेरे को प्रभ आ गए अरदास राख लेहो भाई मेरे को प्रभ आ गए अरदास जो मांगो सोई सोई पावो अपने खसम भरोसा अपने खसम भरोसा कहो नानक गुर पूरा भेटियो मिटियो सगल अंदेसा मिटियो सगल अंदेसा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारे पर तख गुरु निस्तारे अनेक उपावी रोग ना जाए अनेक उपावी रोग ना जाए रोग मिटे हर औखद लाए रोग मिटे हर औखद लाए अनेक उपावी रोग ना जाए रोग ना जाए रोग मिटे हर औखद लाए रोग मिटे हर औखद राग बिलावल महला पंजवां दुपदे
उपदे कर पंजवा कर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अवर उपाव सब त्यागया दारू नाम लया अवर उपाव सब त्यागया दारू नाम लया ताप पाप सब मिटे रोग शीतल मन भया गुरपूरा आराध्या सगला दुख गया राखन हारे राखिया अपनी करमया गुरपूरा आराध्या सगला दुख गया राखन हारे राखिया अपनी करमया बाहां पकड़ प्रभ काढ़िया कीना अपनया सिमर मन तन सुखी सिमर मन तन सुखी नानक निर्भया बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारे गुरपूरे कृपा करी काट्या दुख रोग गुरपूरे कृपा करी काट्या दुख रोग मन तन शीतल सुखी भया प्रभ ध्यावन जोग मन तन शीतल सुखी भया प्रभ ध्यावन जोग गुरपूरे कृपा मन तन शीतल मन तन शीतल बिलावल महला पंजवा रोग मिटाया आप प्रभ रोग मिटाया आप प्रभ उपजा सुख शांत वड प्रताप अचरज रूप हर कीन्ही दात गुरु गोविंद कृपा करी राख्या मेरा भाई हम तिसकी शरणागति जो सदा सहाई हम तिसकी शरणागति जो सदा सहाई रहाओ बिरथी कदे ना होवई जन की अरदास बिरथी कदे ना होवई जन की अरदास नानक जोर गोविंद का पूरन गुणतास बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी
बाणी अमृत सारे अमृत सारे गुरबाणी कहे गुरबाणी कहे सेवक जन माने सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे परतख गुरु निस्तारे परतख गुरु निस्तारे परतख गुरु निस्तारे सोरठ महल्ला पंजवा सोरठ महल्ला पंजवा सिमर 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 गुर सतगुर अपना गुर सतगुर अपना सगला दुख मिटाया सगला दुख मिटाया सिमर 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 गुर सतगुर अपना गुर सतगुर अपना सगला दुख मिटाया सगला दुख मिटाया ताप रोग ताप रोग गए गुर बचनी गए गुर बचनी मन इच्छे मन इच्छे फल पाया फल पाया ताप रोग ताप रोग गए गुर बचनी गए गुर बचनी मन इच्छे मन इच्छे फल पाया फल पाया सिमर सिमर गुर सतगुर अपना सगला दुख मिटाया सगला दुख मिटाया सगला दुख मिटाया सगला दुख मिटाया ताप रोग गए गुर बचनी मन इच्छे फल पाया मन इच्छे फल पाया मन इच्छे फल पाया सोरठ महल्ला पंजवा सोरठ महल्ला पंजवा बख्शिया पार ब्रह्म परमेश्वर 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 सगले रोग बिदारे सगले रोग बिदारे गुरपुरे की गुरपुरे की सरणी उबरे सरणी उबरे कारज सगल सवारे कारज सगल सवारे कारज सगल सवारे कारज सगल सवारे हर जन सिमरिया हर जन सिमरिया नाम आधार नाम आधार हर जन सिमरिया हर जन सिमरिया नाम आधार नाम आधार ताप उतारिया ताप उतारिया सतगुरु पूरे सतगुर पूरे अपनी कृपा धार अपनी कृपा धार अपनी कृपा धार अपनी कृपा धार रहाओ रहाओ सदा आनंद करे मेरे प्यारे सदा आनंद करे मेरे प्यारे हर गोविंद गुर राखिया वड़ी वड्याई वड़ी वड्याई नानक करते की वड़ी वड़ियाई वड़ी वड़ियाई नानक करते की साच शब्द सत भाख्या साच शब्द सत भाख्या साच शब्द सत भाख्या सत भाख्या धन गुरु नानक 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 धन गुरु नानक
सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दास तो हाथ जोड़कर बेनती करेगा, इन शब्दों का जाप हर रोज किया करो, हर रोज। जब ये सीडी बन जाए ना, तो इन शब्दों को सोते समय अपने पास लगाकर सुना करो। ये एक दिन का नहीं, पांच दिन का है, ये महापुरुषों के वचन है, पांच दिन। ये कोई इस प्रकार, जिस प्रकार से आज सबने मन वृत्ति एकाग्रचित करके सुना है, गाया है, गाविए हैं, सुनिए, मन रखिए भाव, इस प्रकार सुन लेंगे, गुरु मेहर करेगा, हम सबके तन मन और आत्मा तीनों आरोग्य हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहते हैं ना, तीने ताप निवारण हारा, तीन प्रकार के ताप होते हैं, एक तन के रोग, एक मन के रोग और एक आत्मा के रोग, जो जन्म जन्मांतरों से हमारी आत्मा को लगे हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये तीनों प्रकार के रोग मिट जाएंगे गुरु नानक की अगर नजर हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और उसके नजर पाने का तरीका क्या है, गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख घर ले जाए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए अब दो पंक्तियां पढ़ें और समाप्ति। दुख पर हर सुख घर ले जाए, दुख पर हर सुख घर ले जाए, सुख पर हर सुख पर